नमस्कार, आप देख रहे हैं SJ7 न्यूज। आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आजकल सागर जिले का राहतगढ़ नगर मुनियों के तप से शोभायमान हो रहा है। मुनियों के अमृत वचन नगर राहतगढ़ की फिजाओं में भक्ति का रस घोल रहे हैं। जी हां, यहां पर हम बात कर रहे हैं जैन संत आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की, जो सत्संग 20 मार्च को राहतगढ़ बिहार पर आए हुए हैं। संघ में आचार्य जी के साथ मुनि श्री शिवदत्त सागर जी, मुनि श्री हेमदत्त सागर जी, एलक श्री सुदंत सागर जी, क्षुल्लक श्री सूर्यदत्त सागर जी, क्षुल्लक श्री चंद्रदत्त सागर जी भी पधारे हुए हैं। आचार्य निर्भय सागर जी सत्संग का राहतगढ़ पधारने से अकेला जैन समाज ही नहीं, वरन पूरा सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं में खुशी की लहर है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आचार्य निर्भय सागर जी के साथ सत्संग में पधारे मुनि श्री हेमदत्त सागर जी महाराज राहतगढ़ के रहने वाले हैं। मुनि श्री हेमदत्त सागर जी ने वैराग्य धारण कर पूरे भारतवर्ष में इस छोटे से कस्बे का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। सभी राहतगढ़ वासियों के लिए यह एक गर्व का विषय है कि यहाँ से भी एक वैराग्य की गंगा निकली है। साथ ही आज आचार्य निर्भय सागर जी महाराज ने देश दुनिया और समाज आदि विषयों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने मौजूदा समय में देश के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नेताओं को वोट से ज्यादा देश हित के बारे में सोचना चाहिए। सोच है कि आज चुनाव का माहौल है, इस चुनाव के माहौल में हम जैनी साधु राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। रही बात ये कि प्रत्येक नेता को राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, ना कि अपनी सीट के हित में। सीट के हित में सोचने वाला व्यक्ति हमेशा स्वार्थ की राजनीति, गंदी राजनीति करता है। इसलिए जो आज आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इससे विपक्षी देश के जो नेता हैं उनको बल मिलता है और हमारे देश की जड़ें कमजोर होती हैं। और पुलवामा जैसे जो कांड हुआ है, इससे हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी नेता एक दूसरे नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए अपनी वोटों के लिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा, अन्यथा हमारे देश की स्थिति और बिगड़ जाएगी। क्योंकि हमारे देश में ही कुछ लोग आस्तीन के सांप बन करके भी बैठे हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। सो जैसे भी हो, इस देश को सुरक्षित करना है, देश हित में सोचना है। जैसे हम साधु होकर के भी देश हित में सोचते हैं, वैसे ही उनको सोचना चाहिए, यही मेरा आज आपसे कहना है। वहीं उन्होंने सनातनी परंपरा के टूटते हुए सामाजिक ताने बाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल होती है, सरकारी नौकरियों में कैरियर बनाने की उम्र भी 25 साल होती है, वैसे ही समाज की भटकी हुई लड़कियों की शादी की उम्र 25 साल होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि गलती हमारी स्वयं की है, इसलिए हमारी आबादी घट रही है। हमने इस पर भोपाल चातुर्मास में बहुत कुछ दिया कि जो लड़कियां भाग रही हैं, इनको भागने से कैसे बचाया जाए। तो जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, लड़की 16-17 साल की हुई, 18 साल की हुई तो शादी कर दो। जैसे पेट की अग्नि होती है, वैसे काम की भी अग्नि होती है। उसमें आदमी बेटी बेटियां बड़े जल्दी फंस जाते। और आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो इतनी हावी है कि इस मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें भरी हैं जो लड़कों को बिगाड़ने में, लड़कियों को बिगाड़ने में बहुत कुछ उनका हाथ होता है। सो सबसे अच्छा ये है कि लड़की को भागने से बचाने का रास्ता एक ही है कि लड़की जैसे ग्रेजुएट हो,
18-19 साल की हो और उसकी शादी कर देना चाहिए। फिर खूब पढ़े पति पत्नी, अच्छी सर्विस करें, दोनों मिलकर के देश की उन्नति करें, एक रास्ता। दूसरा, जो आज भारत देश से 2002 से लेके अभी तक 182,890 लड़कियां गायब हो चुकी 2017 तक, 18 और 19 की बात नहीं कह रहा हूं मैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बचाने का उपाय ये है। और जो अन्य जगह शादी कर करके भाग रही है उनसे बचाने का उपाय एक ही है कि हमारे देश में 18 साल में लड़की को शादी करने का अधिकार दिया गया, और हमारे देश में 18 वर्ष में नागरिकता दी गई, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल में दिया गया। इसी प्रकार आईएएस आईपीएस को बनने के लिए उन्हें टाइम दिया 25 साल का, 21 साल में आप परीक्षा दो, 2 साल परीक्षा होगी, इंटरव्यू वगैरह होगा, अंडर ट्रेनिंग होगी, 25 के बाद ही आपको जिला वगैरह दिया जाएगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाती, सोच समझ उसकी विकसित नहीं हो पाती। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लड़की स्वेच्छा से शादी करती है, माँ बाप का उल्लंघन करके, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करती है, ऐसी लड़की यदि अपनी इच्छा से समाज की और परिवार की इच्छा को ठुकरा करके यदि शादी करती तो उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष होने पर क्या होगा कि जो लड़के मनचले हैं, जो 18-19 साल तक लड़की को अपने बस में करके बहला फुसला करके लेके भाग जाते हैं और अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं और उसके पास समझ नहीं होती, बाद में वो पश्चाताप करती है, रोती है, तलाक होते हैं, आत्महत्याएं बढ़ती हैं और सामाजिक झगड़े होते हैं, इन सब से बचने का उपाय है कि यदि माँ बाप सोच समझ के शादी करते हैं, सलाह मशवरा से होती है, तो 18 साल में शादी होना चाहिए, लेकिन यदि स्वेच्छा से करती तो उसकी उम्र कितनी हो, 25 वर्ष। तो जो आज लड़कियां गायब हो रही हैं, सामाजिक जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, जो सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा, उसको बचाया जा सकता है और सांप्रदायिक दंगों से बचाया जा सकता है। और लड़की हमेशा जो अपना कैरियर बनाने का समय होता लड़की का 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष का, उसी बीच में मन चले लड़के उसको बस में करके और बहला फुसला करके ले जाते, उस लड़की का कैरियर चौपट कर देते। इसलिए 25 साल में उसको समझ आ जाएगी क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये बहुत अच्छा रास्ता एक यही है और इसके अलावा कोई नहीं। साथ ही आचार्य जी ने मुनि श्री हेमदत्त सागर जी महाराज के बारे में कहा कि राहतगढ़ वासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि उनकी बस्ती से निकला एक हीरा संयम और वैराग्य की दुनिया में सुशोभित हो रहा है। ये राहतगढ़ मेरा 5वीं-6वीं बार आना हुआ है और ये नरेंद्र जी लल्ला के नाम से यहाँ रहे और इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र कर्म भूमि यहाँ बनाया और ये नगर गौरव इसलिए कहलाने लगे क्योंकि इन्होंने संयम के पथ को अपनाया है वैराग्य को धारण करके। तो मैं इनको समाज को और इनसे यही कहूँगा कि जिस लक्ष्य से आपने इस भेष को धारण किया है उस लक्ष्य को नहीं भूलना, अपनी आत्मदृष्टि रखें, आत्म साधना करें और परमात्म पद की प्राप्ति के लिए अपने स्तन को पूरा लगा दें। और समाज से ऐसा कहूँगा कि समाज ने एक रत्न निकाल के दिया है, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ और उनके लिए कहूँगा कि तुमने अपनी समाज के नाम को रोशन किया और सारे भारत में इस वजह से एक इस नाम गांव का रोशन हो गया है और समाज में भी एक प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो समाज के लोग ऐसे ही और रत्न निकालें और आगे इनको संयम के पथ पर बढ़ाएं, यही मैं समाज को कहूँगा। और इनसे प्रेरणा लें कि एक कीचड़ भी के बीच में एक कमल खुलता है, ऐसे एक लिए और भी ऐसे कमल यहाँ पर खिलना चाहिए, यही मेरा आशय।